प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने ग्रीष्मकालीन दशाओं के बारे में अध्ययन किया था एशिया के संदर्भ में, और आज हम इसी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि चक्रवात। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में आपने पढ़ लिया होगा चक्रवात क्या है और उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो एशिया के संदर्भ में आज हम इसके बारे में संदर्भ में बात करेंगे। ये मुख्यतः दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों में आते हैं, जैसे कि हिंद महासागर में इनकी उत्पत्ति होती है। मुख्यतः उष्ण बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, और दूसरा है चीन सागर के आसपास का क्षेत्र, पूर्वी प्रशांत महासागर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं, और चीन में इनको टाइफून कहते हैं। विश्व संदर्भ में देखा जाए तो हरिकेन ये अटलांटिक महासागर में आता है, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। अब अपने सिलेबस में अभी हम एशिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का अध्ययन करेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे अपन। अब जो एशिया है, अब एशिया में जो मार्ग हैं ये मैंने इसमें एक मैप के थ्रू दर्शाया है। ये देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा, ये देखिए मैंने राइट साइड में कर्क रेखा और मकर रेखा के द्वारा इसको दर्शाया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं, और जो कि मुख्यतः महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं। और जैसे जैसे ये स्थल की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ये सागरों से स्थल की ओर जाते हैं, ये कमज़ोर पड़ते जाते हैं। ये पिछली क्लास में भी अपने इसके बारे में चर्चा करी थी। पहला क्षेत्र है मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से ये भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है, उड़ीसा और बांग्लादेश इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और इसके बाद में ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्थल की ओर मध्य भारत की ओर बढ़ता है, तो ये चक्रवात की गति धीमी पड़ जाती है और ये क्षीण हो जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्राकृतिक आपदाएँ ले आते हैं, इसलिए चक्रवात को प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। जैसे और जैसे भूकंप है और सुनामी है, ये सारी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, तो इसी प्रकार चक्रवात भी एक प्राकृतिक आपदा मानी गई है। इसके बाद जो ये टाइफून है, ये चीन सागर में पूर्वी प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है, और ये पूर्वी एशिया को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और उसके तटवर्ती क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसमें ये फिलीपींस जो द्वीप समूह है, जापान के द्वीपों को, इनको भी ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इनकी गति तीव्र होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की शीतोष्ण की अपेक्षा, और इसके मामले में इस चित्र के द्वारा ये सारी चीज़ें हमने दर्शाई हैं। इसके अलावा शीतोष्ण जो शीत ऋतु में जो आते हैं, इसको भी मैंने इसमें दर्शाया है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से शीतोष्ण चक्रवात चलते हैं, जो कि जिनकी दिशा पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की ओर होती है। इन पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। जेट स्ट्रीम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी भौतिक भूगोल में, और अपन जब भारत के भूगोल में भारत के मानसून के बारे में बात करेंगे उस संदर्भ में वापस मैं उसको आपको समझा दूंगा। अब भूमध्य सागर से ये चक्रवात शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के नाम से पूर्व की ओर चलते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर भारत तक आते हैं। इनको राजस्थान में मावठ भी कहते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी इनमें जो वर्षा होती है, ये मावठ के द्वारा पश्चिम विक्षोभों से लाई गई वर्षा होती है, जो गेहूं के लिए लाभदायक होती है। अब इसके बाद जो चक्रवात हैं, नेक्स्ट पेज में देखिएगा, चक्रवात हैं उनकी भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए जो उत्पन्न होने के लिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है तापमान, समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वहाँ पर ये चक्रवात उत्पन्न होने की दशाएं रखते हैं, भौगोलिक दशाएं रखते हैं। दूसरा है आईटीसीजेड। अब आईटीसीजेड
भौतिक भूगोल में आप पढ़ चुके हो ITCZ की उपस्थिति उत्तरी पूर्वी पवने और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, ये दोनों पवने जहाँ पे मिलती हैं, जिस बिंदु पे मिलती है, जिस लाइन के जिन क्षेत्रों में ये मिलती है, वो अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहलाता है। ये एक निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, क्षेत्र होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा जो कोरियालिस बल का है, कोरियालिस बल का भी इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दशाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु न्यूनतम भी जैसे 0 से 5 डिग्री, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये कोरियालिस बल न्यूनतम होता है, तो वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती। अब ये कहेंगे कि अपन की भाई कोरियालिस बल के लिए अधिक बल चाहिए, तो वो ध्रुवों पे मिलता है। अब ध्रुवों पर समस्या ये होगी कि जो ऊपर के दो पॉइंट हैं, पहला तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं मिलेगा ध्रुवों पर, और दूसरा ITCZ की उपस्थिति वहाँ नहीं होगी, तो ये दो कारणों से ध्रुवों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बन सकते। अतः तापमान का न्यूनतम होना और ITCZ की अनुपस्थिति होना भी इसके लिए आवश्यक है। कोरियालिस बल मुख्यतः कर्क रेखा मकर रेखा के पास में जो वो क्षेत्र है 5 डिग्री से उत्तरी 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़ के जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में अपन ये इधर बात कर चुके हैं। ये देखो कर्क रेखा और मकर रेखा, अपन ने कहा, हमने बताया था कि भाई इसमें इसके मध्य में पड़ता है ये क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए सबसे उपयुक्त है। अब आप देखिएगा तीसरा पॉइंट है अपना संगणन की गुप्त ऊष्मा का निष्कासन जहां अधिक मात्रा में होता है वहां पर चक्रवात की उत्पत्ति तीव्र और होती है। अब संगणन की गुप्त ऊष्मा क्या है इसके बारे में अपन नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, पहले पांचवा पॉइंट ले लेते हैं। व्यापारिक पवनों की गति, व्यापारिक पवन कौन सी होती हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं। व्यापारिक पवनें 23.5 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, वहां से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, निम्न वायु दाब के क्षेत्रों की ओर चलती हैं, और ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं। तो ये गति, इनकी गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति हावर्स होती है, वहां पर ये दशाएं, भौगोलिक दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए उपयुक्त होती है। और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नगण्य होते हैं, बिल्कुल न के बराबर होते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी तट के भागों में चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो ठंडी जलधारा बहती है। आप देख लो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा बह रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, अफ्रीका के पश्चिम भाग में बेंगुला जलधारा, और दक्षिण अमेरिका के में आप देखेंगे कि हम्बोल्ट जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक वो कनारी जलधारा अफ्रीका और जो यूरोप और उसके मध्य बहती है वो भी कनारी जल ठंडी जलधारा का उदाहरण है। तो इन क्षेत्रों में ये ठंडी जलधारा होती है, तो वहाँ पे तापमान की दशा उपयुक्त जो अपने जो माना हुआ है, देखो पहला पॉइंट तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए, तो वो जगह उपयुक्त नहीं है, पश्चिमी तटों ये उपयुक्त नहीं है। पूर्वी तट पर ये चक्रवात बनते हैं और तटीय क्षेत्रों में भीषण प्राकृतिक आपदा पैदा करते हैं। अब चौथा पॉइंट, संग्रहण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये इस पेज में आपको नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। ये देखिएगा, सूर्य से जो सीधी किरणें समुद्र की सतह पर पड़ती हैं महासागरों में, क्योंकि महासागरों में इसकी उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगी, तो वहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता हो, और ये जो जल है वो द्रव्य अवस्था में, और ये द्रव्य अवस्था से जो गैस अवस्था में इसका वाष्पीकरण होता है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है जब ये चेंज होता है द्रव से गैस में, तब अपने अंदर से कुछ ऊष्मा ग्रहण कर लेता है
ये देखो, ये मैंने आपको इसमें समझा रखा है तापमान, ये सूर्य है और इसमें महासागर के समुद्र सतह पर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये जल द्रव अवस्था में होता है और जब गैस अवस्था में ये बदलता है तो वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो अपने अंदर समाहित कर होता है वो ग्रहण कर लेता है इस अवस्था में। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि ये गैसीय अवस्था हल्की होने के कारण वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में ये गैस वापस संघनन की क्रिया द्वारा द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, और जब ये द्रव्य अवस्था में बदलता है तो ये संघनन की क्रिया कहलाती है। संघनन की क्रिया होती है और इससे वर्षा होती है। इस समय ऊष्मा का कुछ भाग इसमें से निकलता है, उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब ये गैस अवस्था से वापस सुनिएगा, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में संघनन की क्रिया होती है, इस समय जो ऊष्मा निकलती है उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो वायुमंडल में फैल जाती है। अब ये संघनन की क्रिया है, जितनी तीव्र होगी उतना ही मानसून जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तीव्र होगा और वो दशाएं उत्पन्न करेगा जो चक्रवात के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक है। ये एशिया में आपको एक बार जो मानसून है, अब अपन नेक्स्ट क्लास मानसून की लेंगे कि एशिया में मानसून किस तरीके से सक्रिय रहता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो पहले अपन को ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। कुछ दशाएं होती हैं चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है, इसके बारे में मैंने आज बात करी। धन्यवाद।